नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उन्नीति एस्ट्रोवाला पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु मातृपिण संसिद्ध नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, ये एस्पेक्ट्स जो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर होते हैं उसका एक वीडियो मैंने पहले डाला था आपको, जो कंजेशन यानी युति, कंजक्शन यानी युति के हिसाब से आपको डाला था। उसमें सिर्फ 159 बोला था लास्ट चार्ट में, बट इस चार्ट में मैं आपको 159 का भी एग्जाम्पल लूंगा और बाकी जो 212 हैं या 3711 एस्पेक्ट्स हैं उनका भी मैं एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहा है उसको भी लूंगा। तो इससे पहले इसको हम शुरू करें तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि भाई सब लोगों को ये आसानी से दिख सके। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अपोजिट हाउस का लेते हैं। अब अपोजिट हाउस में अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये एरो आपको दिख रहा है, तो मान लीजिए इसमें चंद्रमा को हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर चंद्रमा को अगर हमने कंसिडर किया, चंद्रमा और गुरु यानी मून और जुपिटर आमने सामने हैं, अपोजिट हाउसेस में हैं, तो ये सेवंथ एस्पेक्ट होगी। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को मून प्लस जुपिटर लूँ तो, या जुपिटर प्लस मून लूँ, तो जुपिटर से हम बेसिकली नेटिव को देखते हैं और मून से हम ट्रेवल को देखते हैं। तो ये एक सिंपल हम कह सकते हैं कि जातक जो है वह हो सकता है अपना जहां पर घर हो उसका वहां से कहीं दूसरी जगह पर रहता हो, और अगर नहीं भी रहता होगा तो वह हमेशा ट्रेवल ही करता रहता होगा। उसकी जिंदगी में, या आप कह सकते हो उसकी लाइफ में, बहुत सारा ट्रेवल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमने सेवंथ एस्पेक्ट से देखा। और किसी भी कुंडली में इसका रिजल्ट जो है वो 50% तक आप कह सकते हो, अगर वो डिग्री में बहुत नजदीक ना हो, क्योंकि इसमें भृगुनंदी नाड़ी में डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जुपिटर की डिग्री और मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री भी सेम हो तो वह रिजल्ट 50% से ज्यादा देगा, लेकिन अगर दोनों की डिफरेंस है काफी डिग्री में तो भी हम 50% की अपोजिट हाउस का उसका रिजल्ट हम मान सकते हैं। तो पहली जो हमने इस चार्ट के थ्रू जो स्टडी की है वो यही है कि नेटिव को अगर हम देखते हैं, या तो वह अपने घर से दूर होगा यानी कहीं दूर, जैसे किसी का जन्म मान लीजिए आंध्र प्रदेश में हुआ है और वह आके रह रहा है दिल्ली में रह रहा है, तो एक एग्जाम्पल मैंने वैसे ही कहा है, कोई उस जातक की कुंडली नहीं है कि वो प्रैक्टिकली वहां रह रहा हो, तो ये सिंपली एग्जाम्पल देने के लिए। या हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में हुआ हो और वह मार्केटिंग की जॉब करता हो, किसी भी ऑटो सेक्टर में ही लगा लीजिए आप, बेसिकली मैं इसको ऑटो सेक्टर, आप वो मत सोचिएगा कि ऑटो सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बट मैं एग्जाम्पल के कह रहा हूँ, तो लेकिन वो एक कंपनी है और उसका मार्केटिंग का काम है और उसको दो या तीन जोन मिले हुए हैं, तो उन दोनों तीनों जोनों पे वो हमेशा जाता रहता है, तो इस करके उसकी लाइफ में भी ट्रेवलिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो है एडजेसेंट हाउसेस, यानी एडजेसेंट हाउस कौन से होंगे जिनमें दो बार आऊंगा, यानी जुपिटर अगर यहाँ पर है तो इसके 12th हाउस में केतु है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ले लें तो जुपिटर से तो ये 12th हुआ, लेकिन अगर यहाँ से मैं मून से लूंगा तो मून से सैटर्न जो है वो 2 होगा, तो ये 2 12 यानी एडजेसेंट हाउसेस के ये दोनों मैंने एग्जांपल दिए। या इस केस में हम कह लें कि अगर इसको चेंज करना चाहें तो सैटर्न और मरकरी का आप ले सकते हैं, या आप जुपिटर केतु प्लस जुपिटर का ले सकते हैं। इसका रिजल्ट 75% तक माना गया है भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। तो लेकिन इसमें भी फर्दर जैसा मैंने आपको कहा, डिग्री और प्लैनेट की आपस में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ये सब चीजें डिटेल में मैं अपने कोर्स में बताऊंगा, लेकिन एक आप ये डेमो कह सकते हैं, एक इसको इनसाइट कह सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा। तो इस कोर्स में यहाँ ये इस सॉरी इस वीडियो में यानी इस चार्ट में अगर हम देखें तो अगर केतु प्लस जुपिटर का क्या रोल होगा, ये इसमें लिखा हुआ है, यू आर लाइकली टू हैव कंट्रोल ऑफ ऑन थॉट पैटर्न प्रोसेस एंड विल डेवलप ऑन थिंकिंग, यानी यह जातक कि अपने विचार
अपने अलग विचार होंगे, यह इसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। और दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इस जातक का अगर जहाँ जन्म हुआ हो, से फॉर एग्जाम्पल ये जातक का जहाँ जन्म हुआ हो वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल होगा, अगर मान लीजिए जुपिटर से हम हिंदू को लेते हैं, एक हिंदू जातक की कुंडली है, तो उस जातक का जन्म जो है वो किसी मंदिर के आसपास हुआ होगा या उसके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर या धार्मिक स्थल जरूर रहा होगा। अब आते हैं इसी के हिसाब से सैटर्न को, इसमें अगर मान लीजिए ये तो 2-12 का हुआ, अब यहाँ से 2 और 12 था, अब यहाँ से क्योंकि केतु ने उसकी तरफ मतलब पीछे से वो केतु को हम पकड़ रहे थे, अब आगे से हम शनि से मरकरी को और सन को पकड़ेंगे बेसिकली ये देखने के लिए कि इसका प्रोफेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन से सैटर्न से देखते हैं, तो सैटर्न में अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लिया, चारों प्लेनेट नहीं है, इसको फाइनेंस सेक्टर को अभी नहीं लिया है, मान लीजिए शुक्र से हम पैसा देखते हैं या पत्नी देखते हैं, तो अभी हमने सिंपल एक कॉम्बिनेशन बनाया 3 प्लेनेट का, सैटर्न मरकरी सन डिग्री के हिसाब से। तो ये जाकर क्या हो सकता है, यू आर लाइकली टू फॉलो एनेस्ट्रल, यानी अपना खानदानी या जो एनेस्टर्स का जो हमारा प्रोफेशन है, अगर मान लीजिए कोई खेती करने वाला खेती कर सकता है, अगर किसी का कोई बिजनेस है, अगर मान लीजिए किसी की कोई क्लॉथ हाउस है यानी कोई कपड़े की दुकान है, तो वह उसमें काम कर सकता है। यू आर लाइकली टू टेक अप प्रोफेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, क्योंकि अब सैटर्न है उसमें, सैटर्न और जो सॉरी सैटर्न तो प्रोफेशन हो गया, सन जो गवर्नमेंट का कारक हो गया, और जो यहाँ पर जो मरकरी है उस मरकरी के हिसाब से हम उसका अकाउंट से रिलेटेड कह सकते हैं। तो यानी हो सकता है ये जातक की भी अकाउंट से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, और ये भी कह सकते हैं यू आर लाइकली टू गेट इन टू ट्रेड एंड कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, यानी वो अपने दोस्तों के साथ कोई व्यापार भी कर सकता है। अब आते हैं दूसरा चीज के ऊपर, मार्स प्लस राहु 25% अपोजिट। अपोजिट क्यों लिया, क्योंकि इसमें 3rd and 11th एस्पेक्ट लिया है, 1, 2, 3, 1, और इससे यहाँ से हम लेंगे तो ये अगर से लेंगे इसका ये 12th हो गया, ये 11th हो गया। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें, मार्स को पकड़ के देखें, तो उसका भाई क्या हो सकता है कि उसके भाई के साथ कुछ ट्रेजडी, क्योंकि राहु जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वो एक्सपेंड भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसमें, लेकिन 3-11 में हम कह सकते हैं कि भाई के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अब आते हैं नेटिव की एजुकेशन के ऊपर, मरकरी से एजुकेशन देखते हैं, सन एंड वीनस को हम ले लेते हैं, तो इसमें 100% एक्सपेक्ट काम करती है। तो इस जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि सूर्य जो है वो स्टेटस को दिखाता है और शुक्र जो है वो उसको अच्छी मतलब सेंस में, मतलब आप कह सकते हैं जिससे प्रगति वाली एजुकेशन होती है वो दिखाता है, क्योंकि उससे पैसा तो एक इंडिकेट भी करता है। यू आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस एंड मेडिसिन, ये बेसिकली सूर्य के हमने और शुक्र के कॉम्बिनेशन को बना के ये चीज बोला। अगर शुक्र उसको अच्छी एजुकेशन दे रहा है, ब्रॉड दे रहा है, बढ़िया दे रहा है, सफलता वाले दे रहा है, सन भी सफलता देता है, लेकिन क्योंकि मरकरी चल के सन के पास पहले है, तो ये तीनों पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और मेडिसिन जो है हम बेसिकली सन से देखते हैं। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला जो मैं इसमें कंसिडर करना चाहता हूँ, वही अगर हम किसी की वाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहें, वाइफ को हम लेंगे, तो वाइफ का कॉम्बिनेशन भी अगर हम इसी ये कंजक्शन की मतलब सेम हाउस की युति लें, तीनों प्लेनेट की युति है, कंजक्शन है, तो इसको हम देखें तो इसमें से मरकरी प्लस सन प्लस वीनस तीनों को ले लिया, 100% रिजल्ट होगा। तो इसका हम कह सकते हैं वाइफ काइंड हार्टेड होगी, वाइफ का स्टेटस होगा परिवार में लेके आएगा, वाइफ की अपनी इज्जत होगी परिवार में, लेकिन पति के साथ उसका कैसे रिलेशन होगा, क्या एटीट्यूड होगा, ईगो होगी, वो एक डिफरेंट बात है उसको, क्योंकि अगर मैं लूंगा पति के साथ तो वीनस का शुक्र मंगल के साथ हमें देखना पड़ेगा, तो मंगल के साथ जो हाउस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनता है, 8 में तो हमने इसमें कोई एक्सपेक्ट लेते ही नहीं, लेकिन फिर अगर हम जुपिटर से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जुपिटर के साथ इसका जरूर रिलेशन बनता है। तो लेकिन हम हस्बैंड के लिए मार्स को देखते हैं और इस वाइफ के लिए शुक्र यानी वीनस को देखते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं वाइफ के और हस्बैंड के बीच में कुछ ईगो को लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनकी मैरिज चलेगी, नहीं,
जरूर चलेगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ईगो की वजह से हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी जितने प्रकार की एस्पेक्ट हो सकते हैं, आप ये मान के चलिए थ्री, सबसे हम छोटे से शुरू करते हैं, 311 एस्पेक्ट आपको 25% रिजल्ट देंगे, 17 आपको 50% देंगे, और 212 आपको 75% देंगे, 159 में बैठे हुए या सिंगल हाउस में, एक ही हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपको 100% देंगे। तो ये दूसरा वीडियो था जो मैंने युति के ऊपर बनाया, जिसमें अगर हम प्लैनेट को स्टडी करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और आप इस मेरे चैनल पे आके वीडियो जब देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन चैनल का बढ़ता रहेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, एक अलग अलग टॉपिक पे हम आपके सामने वीडियो लेके आते रहें। और कोई फर्दर स्टडी भृगुनंदी नाड़ी में करना चाहता है या प्रोफेशन बनाना चाहता है तो वो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1/3 रेट पे मार्केट से है इंक्लूडिंग GST। तो आप हमारे चैनल पे जाके, नंबर पे हैं या ईमेल के द्वारा हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और या कोर्स की फर्दर जानकारी हमसे ले सकते हैं। 3 कोर्स हम जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। पहला कोर्स है भृगुनंदी नाड़ी पे 7 तारीख से, 8 तारीख से न्यूमरोलॉजी, और 9 तारीख से संडे को यानी पर्सना कुंडली विद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी।